हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कई लोगों के कमेंट आए हैं हमारे पास में कि रैबिट के जो नीचे के पैर होते हैं, तलवे होते हैं, जो फ्रेंड देखो अभी मैं बताऊं आपको, ये देखो रैबिट के ये पंजे हैं, ये देखो यहाँ ये पंजे, ये आगे के पैर या पीछे के यहाँ, ये तलवे कभी मतलब छिल जाते हैं, रेड रेड से हो रहे हैं, पूरे बाल अट गए हैं और जख्म हो गए, घाव हो गए। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है, पहले तो एक छोटा सा मैं बताता हूँ ये होते क्यों है। फ्रेंड्स, कई बार पिंजरे में जब केज में रैबिट रहते हैं तो जाली की जाली से लग के या फिर रैबिट की ऐसी कोई खुरदरी जगह में रहा, थोड़ा सा बाल अटके, बाल अटने के बाद में धीरे धीरे घाव बनता गया, तो ये हो जाता है। अगर मान लो हो गया तो ट्रीटमेंट आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, आप घर बैठे भी ट्रीटमेंट और इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, आपके रैबिट के इस तरीके की अगर घाव हो गए तो उस रैबिट को अगर आप केज में रखते हैं तो आप कभी भी फिर उसको केज में रखना, अभी आपको जब तक वो जख्म है उसको केज में नहीं डालना। और अगर आपके पास में ऐसा कुछ है नहीं, बाहर आप रख नहीं सकते, कोई सेफ्टी नहीं है, तो अगर आपको केज में ही रखना हो तो केज में आपको करना क्या है, आपको केज के अंदर कोई जूट की बोरी, मतलब एकदम गुद्देदार कोई चीज़ जिससे क्या है कि वापस से पैर के मतलब जख्म नहीं हो, वापस से वो खुरचे नहीं, तो उस तरीके से या तो कोई जूट का बोरा हो या फिर फ्रेंड्स कोई फोम की या कोई मैट हो या चटाई टाइप हो या फिर कोई मोटा कपड़ा हो, उसके ऊपर ही रैबिट का पंजे रहने चाहिए, तो वो आप बिछा दे, उसके बाद में रैबिट को आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जगह है तो आप रैबिट को केज से बाहर निकाल दें। दूसरा फ्रेंड्स, इंसानों में जो भी लगाने वाली ट्यूब आती है, जैसे पेंड्रम प्लस हो गई या कोई भी, जैसे आप कोई भी ट्यूब जो मतलब कभी भी अपने लग जाती है, खरोच आ जाती है तो अपन लगाते हैं, फिर खरवट आ जाता है, सही हो जाता है, वो इंसानों वाली ट्यूब भी आप लगा दो। लगाने से पहले आप एक बार डेटॉल से अच्छे से साफ करके वो ट्यूब लगा दो तो भी आपके रैबिट ठीक हो जाएंगे, लेकिन चल रहा है ट्यूब की दवाई हट जाती है तो फ्रेंड्स आप क्या करो, जो आपने वीडियो में देखा उस तरीके से आप पट्टी कर दो, मतलब ड्रेसिंग कर दो और पट्टी कर दो, जिससे क्या है कि चारों तरफ लपेट के पट्टी कर दो, जिससे क्या है कि दवाई अटेगी नहीं और जख्म ठीक हो जाएंगे, और पट्टी आपको हर 24 घंटे में चेंज कर देनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपके अगर रैबिट के तलों पे इस तरीके से जख्म हो गए तो घर बैठे आप इस तरीके से इलाज कर सकते हो, और आप तो हल्की फुल्की दवाई से भी, या फिर जैसे एक देसी इलाज और बताता हूँ आपको, आप घी और देसी गाय का घी और हल्दी ये लगा दोगे, उससे भी आपका आराम आएगा, ठीक हो जाएगा।